हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विनांश और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है। बीते दिन जो है आप सभी ने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को चौथी पारी में मात दी, शानदार चेज किया, 342 रन और ये इतिहास रचा है। दरअसल में गोल्ड टेस्ट मैच में आज तक कभी भी किसी टीम ने इतना बड़ा स्कोर जो है, इतना बड़ा लक्ष्य आज तक कभी चेज नहीं कर पाया था। गोल्ड टेस्ट मैच में हाईएस्ट जो चौथी इनिंग्स में रन चेज हुए वो है 268 रन चेज हुए थे। और जब पाकिस्तान के सामने 342 रन का बड़ा टारगेट श्रीलंका ने रखा तो हर किसी को लग रहा था कि शायद ही किसी को लग रहा होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है ये मैच जीत भी सकती है, क्योंकि आप सभी को पता था कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा था। 218 रन पाकिस्तान ने बनाए थे जिसमें से अकेले बाबर आजम ने 119 रन बनाए थे, तो बाकी बल्लेबाजों का घटिया ही प्रदर्शन रहा था। लेकिन इसके बाद जब चौथी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए पाकिस्तान की टीम उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाजों ने कमाल की पार्टनरशिप की, खास करके इमामुल हक और अब्दुल्ला शफी ने पहले विकेट के लिए 87 रन जोड़े। अजहर अली सस्ते में आउट हुए लेकिन बाबर आजम के साथ शतकीय साझेदारी, और इसके बाद पाकिस्तान की निकल पड़ी और चार विकेट से जो है श्रीलंका को हरा कर इतिहास रचा है। आपको बताते आज तक कभी भी किसी टीम ने गाली क्रिकेट स्टेडियम में, मतलब यानी कि गोल क्रिकेट स्टेडियम में कभी भी कोई भी टीम ने 300 प्लस रन चेज नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने यह कारनामा कर दिखाया है, वो भी बाबर आजम की कप्तानी में। तो आपको इस जीत पर क्या कुछ कहना है आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।